मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हम लोग आज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल का हम लोगों ने कंप्लीट पोस्ट ऑफ सिस्टम का हम लोगों ने देख लिया था। आज हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने आउट पेशेंट, इन पेशेंट और इन पेशेंट के फोर टाइप्स पे अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देख लिया था इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू, और सेकंड है कंप्लीट पोस्ट ऑफ। ये कल मैंने खत्म कर दिया था। आज मैं इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर उसके साथ। तो एडवांटेज है, तो मैंने लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट क्लोज्ड लूप ड्रग सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या है? अगर सारा कुछ जो भी मेडिसिन है, ड्रग्स है, अगर वो फ्लोर पे नर्सेस के स्टेशन पर, नर्सिंग स्टेशन पे अगर वो रखा हुआ होगा, तो वहां पर सॉर्टिंग इजी हो जाएगा। सॉर्टिंग मतलब समझते हैं छांटना, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ डिटोरिएटेड, जो खराब हो गई है ड्रग, जो ड्रग एक्सपायर हो गया है, वो सॉर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। दिस मीन्स सॉर्टिंग ऑफ डिटोरिएटेड एक्सपायर ड्रग मेडिसिन, इट इज क्वाइट इजियर, बहुत इजी हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। अगर सारा कुछ हमने ऐसा नर्सिंग स्टेशन के पास कैबिनेट है, वहां पर हमने रख दिया है और हमको उसमें से छांटना है, तो वो ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली कैबिनेट्स वगैरह में जाकर ढूंढने से। नाउ नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन बाय फार्मासिस्ट ऑन नर्सिंग स्टेशन, ये भी बहुत इजी हो जाएगा। हमने सारा फर्स्ट ऑफ कहाँ पे रख दिया है? नर्सिंग स्टेशन पे, नर्सेस के पास में। फार्मासिस्ट कभी भी जा सकता है और उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है कि कोई मेडिसिन डिटोरिएट तो नहीं हो गया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टॉक कम तो नहीं है, कुछ ऐड तो नहीं करना है। ये सारी चीजें वहां पर इजी हो जाएगी। मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन बाय फार्मासिस्ट ऑन नर्सिंग स्टेशन, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। अगर आपका एक वर्किंग टेबल है नर्सिंग स्टेशन का और वहीं पर फार्मासिस्ट आकर सारी बातें चेक कर रहा है, सारे मेडिसिन चेक कर रहा है, तो इस वजह से एक बहुत अच्छा फायदा यह है कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट। यहाँ पे फार्मासिस्ट का नंबर ज्यादा लग रहा था, नाउ इट विल बी रिड्यूस, वो कम हो जाएगा। रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, सारा कुछ नर्सिंग स्टेशन पे रखा है, मेडिसिन रिक्वायर्ड, पेशेंट को कितनी लग रही है मेडिसिन, सभी कुछ आइटम्स अवेलेबल है नर्सिंग स्टेशन पर, तो जो नर्सिंग स्टेशन पे अवेलेबिलिटी जो रहेगी ड्रग की, इससे रेडी हो जाएगी। जैसे कोई रिक्वायरमेंट आके तुरंत प्रोक्योर करा के हम दे सकते हैं, रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। नाउ फिफ्थ नंबर पे देख लेते हैं, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन के नंबर भी डिक्रीज हो जाएंगे और जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। ये हमने देख लिए एडवांटेज। सबसे पहले हमने देख लिया सॉर्टिंग करना बहुत अच्छे से आसान हो गया, फिर हमने देखा मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो गई, फिर हमने देखा डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट वहां पे कम हो जाएंगे और रेडी अवेलेबिलिटी, जो ड्रग चाहिए वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ये हमने देख लिए एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट क्लोज स्टॉक ड्रग सिस्टम। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है? कंज्यूम नर्सेस एक्स्ट्रा टाइम। नर्सेस का मेन पर्पस है पेशेंट की केयर करना। सारे मेडिसिन, सारे ड्रग्स नर्सिंग स्टेशन पर आ जाएंगे तो नर्सेस का जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो पेशेंट की केयर करने में थोड़ा सा फिर उनको मिसमैनेज हो जाएगा उनका वर्क, ठीक है। नाउ सेम सेकंड टाइम पे, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सम टाइम चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर इंक्रीजेस। लिखा है मेडिकेशन का एरर इंक्रीज हो सकता है, हमको कभी नहीं चलेगा। हम लोग पेशेंट की केयर के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर अगर नर्सेस को क्या लगेगा, फार्मासिस्ट ने कर दिया वो, और फार्मासिस्ट को लगेगा नर्सेस को, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और वहां पर एरर बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नाउ इंक्रीज ड्रग इन्वेंटरी एट नर्सिंग स्टेशन। ये एक तो अच्छी बात है कि सारी चीजें सामने सामने रखी रहेगी, पर वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इन्वेंटरी को इंक्रीज कर रहा है वर्किंग स्टेशन और नर्सेस के काम करने की जगह पर, जो एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंक्रीज ड्रग इन्वेंटरी एट नर्सिंग स्टेशन। ना उसके बाद में लिखा है स्पेशल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर इंसुलिन है, इंसुलिन जैसी जो इंजेक्शन है इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, बिना फ्रिज के इसको आप बाहर रख ही नहीं सकते, तो स्पेशल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, फिर वहां पर फ्रिज रखना पड़ेगा और अदर जो जो रिक्वायरमेंट है वो रखना पड़ेगा। तो इस केस में बताया है स्पेशल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है इंसुलिन, आया था आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट नंबर फाइव, मिसयूज इज इंक्रीज। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी रखी हुई है वहां पर, अदर
क्या करेगा, मिसयूज कर सकता है, बाहर यहाँ से उठाई दवा बाहर जाकर बेच दिए और इससे क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस जो है वो इंक्रीज रहेगा, जो एक हेल्थी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये हमने देख लिया डिसएडवांटेज, क्या क्या देख लिया, नर्सेस का एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है, समटाइम चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर कर रहे हैं वहां पर, इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री नर्सिंग स्टेशन पे ड्रग इन्वेंट्री बढ़ रही है और स्पेशल फैसिलिटी लगेगी अगर स्पेशल प्रैक्टिस ड्रग्स है तो, नाउ मिसयूज इज इंक्रीजेस, फाइनेंशियल लॉस इज इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम इन हॉस्पिटल, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस मेथड, पहला है चार्ज वाला जिसमें हम एनवेलप मेथड के बारे में लिखते हैं, दूसरा है नॉन चार्ज वाला जिसमें हम लिखते हैं ड्रग बास्केट मेथड और मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड, प्लस हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना पड़ता है। ऐसा करके पूरा एक चार नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन दी कंप्लीट क्लोज्ड लूप ड्रग सिस्टम, उसमें आपको सारी चीजें चार्ज के बारे में, नॉन चार्ज के बारे में, उनके दोनों टाइप्स, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसा करके ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करना है। पॉइंट ऐसे ही लिख रहे हैं, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो है मेरा, इसका थर्ड मेथड। अच्छा, इसके बाद थर्ड मेथड हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू को भी दिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू मतलब इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू। ये जो थर्ड नंबर का है ये एस सच एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको यूनिट के बारे में पूछेंगे, आपको इसके बारे में पूछेंगे, तो आपको सभी का याद रखना है कि थर्ड नंबर का जो हमारा मेथड है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू है। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, नाम से ही समझ है, यूनिट का मतलब है सिंगल, ऐसा मेथड जहां पे सिंगल और एक ही डोज को ही कंपाइल करके क्या किया जाता है, पेशेंट तक पहुंचाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नाउ अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, तो वहां पर मैंने लिखा है मेडिसिन ऑर्डर, क्या लिखा है देखो, ऑर्डर पैक हैंडल एडमिनिस्टर और चार्ज इन सिंगल डोज यूनिट, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सिंगल डोज यूनिट में जैसे मेडिसिन हम ऑर्डर करते हैं, पैक करते हैं, हैंडल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और चार्ज करते हैं, ठीक है, तो कंटेनिंग सिंगल डोज, ऐसे मेडिसिन को और ऐसे सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कहेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इस सिस्टम में जो कॉस्टली ड्रग्स हैं वो मेनली इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। नाउ इसके एडवांटेज देख लेंगे, अब एडवांटेज क्या है, सबसे पहले चार्ज करते हैं फॉर एडमिनिस्टर्ड डोज ओनली, सबसे पहला इसका एडवांटेज हो गया, अगर हम एक डोज दे रहे हैं तो एक डोज का ही चार्ज करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड बोला है डिक्रीज इन दी एरर, इससे क्या हो जाता है, एरर डिक्रीज हो जाता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एरर, मैंने पॉइंट लिखा था ये देखो, यहाँ पे लिखा था कि एरर इंक्रीज हो रहा है, ये वाला चीज यहाँ पर खत्म हो रहा है, डिक्रीज इन दी एरर ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की दो कॉपी बनाते हैं, एक फार्मासिस्ट के पास रहती है, एक नर्सिस के पास रहती है, उनको पता रहता है कि कौन से पेशेंट को कितना ड्रग या डोज दिया गया है, इसीलिए एरर जो है वो कम हो। नाउ अवॉइड वेस्टेज और डिटोरिएशन, हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा था, देखो डिटोरिएटेड ड्रग वगैरह जो रहेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर वेस्टेज बराबर है, सिंगल डोज है, एक ही डोज दे गया और अलग अलग यूनाइटेड डोज में वो डिवाइड किया गया है। आपने देखा होगा मेडिसिन की स्ट्रिप आती है जिसमें 10 गोलियां रहती है, देखा होगा, और सिंगल सिंगल गोली अलग अलग डोज रहती है, बराबर, तो ऐसे इस पैकिंग की वजह से क्या होता है, वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा और डिटोरिएशन भी कम हो जाएगा। नाउ अगर आप इस तरह की स्ट्रिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू क्लोज स्टॉक ड्रग सिस्टम, ऐसे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने से आपका जो स्पेस का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। नाउ पेशेंट रिसीव नर्सिंग सर्विस 24 आवर्स, अभी उसको एक ड्रग का स्ट्रिप ही मिल गया, उसको बस निकाल कर देना है, तो इस केस में जो हम बोल रहे थे ना कि नर्सिस का एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था, है ना, हमको ये दोनों को ऐसे 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 पढ़ना है, हमको समझ में आ गया कि इसके डिसएडवांटेज, यहाँ पर उसके एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नर्सेस जो है वो ज्यादा समय पेशेंट को दे रही है, जो उनका मेन काम है केयर, पेशेंट की केयर लेने का जो मेन काम है वो पर्पस भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद में अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर,
ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पेशेंट को एक ऑर्डर दोबारा से मिल गया। यहाँ पर परफेक्टली नजर रखी जाएगी और यूनिट डोज होने की वजह से वहां पर ध्यान में आएगा कि ये चीज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एनहांसेस मोर और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जैसे हमने देखा कि नर्सेस का जो काम था पेशेंट केयर का था, फार्मासिस्ट का जो काम था डिस्पेंसिंग का, ये चीज हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा है एनहांसेस मोर और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, सही राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस। ये हमारा टॉपिक भी सॉल्व हो गया। नाउ डिक्रीज लेबलिंग एरर, लेबलिंग की एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूनिट डोज में पैक हो रही है, सिंगल डोज पर पैक हो रहा है तो वहां पर लेबलिंग का एरर भी कम हो गया। साथ में ही ड्रग अकाउंटिंग जो है वो बहुत इजी हो गया, हमारा ड्रग अकाउंटिंग बहुत इजी हो गया। ऑब्वियसली आपने कितने प्रिस्क्रिप्शन दिए, आपने कौन सी मेडिसिन दी, ये सारा कुछ हमारे सामने रहेगा, अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, 10th नंबर का पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री। हमें यहाँ पर लिखा था कहीं पर इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री, बराबर है, तो वो चीज भी हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। तो जितने भी डिसएडवांटेज हमने यहाँ देखे थे वो सारा कुछ हमारा सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर उसके एडवांटेज के पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वहां पर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड राइट इट्स एडवांटेज। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना है और ये बेनिफिट्स लिखने हैं। वहां पर कम नहीं करना है, 10 याद करोगे तो 6 लिख कर आओगे या 8 लिख कर आओगे, अगर 6 पढ़ते जाओगे तो 6 में से 4 ही लिख कर आओगे, मार्क्स कम होंगे। तो इस वजह से आपको ये और इतना पूरा याद करना है, ये पूरा एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, प्लस हमने साथ में देखा आज लास्ट वाला मेथड था इसका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसका जो पार्ट है CUDDS और DUDDS, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, वो मैं अगले लेक्चर में लेने वाली हूँ। थैंक यू।